एक नंबर पिक्चर है भाई। हाँ भाई इधर कुछ नहीं भाई, एक नंबर, एक नंबर पिक्चर है भाई, अच्छी है, मस्त मस्त लग, पूरा फुल सी दो स्टार मूवी, बस सबसे बेटर थी, मस्त अच्छी मूवी थी, थ्री स्टार। सॉन्ग टम टम बहुत वेरी नाइस, बात की जाए खाने के स्टाइल ऑसम, एंड कितने स्टार दे रहे हैं एज़ पर परफॉर्मेंस, 5 स्टार फॉर इरफान खान। इरफान खान की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसा लगा? ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, सॉरी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, नेल्ड इट सर, बहुत बेहतरीन फिल्म है, इरफान सर ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मतलब अगर आप वही मैं कहूँ कि किसी और स्टार से आप अगर ये काम करवाते तो मेरे को नहीं लगता इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई दे पाता। पूरी फिल्म परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म है। कितने स्टार सर? मैं तो 4 स्टार देना चाहूँगा सर। एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है और इरफान खान ने जिम्मी शेरगिल से काफ़ी अच्छा काम किया है और फिल्म चलेगी, काफ़ी सारी ऑडियंस को पसंद आएगी, बीच में कुछ जगह पे थोड़ी सी खिंच गई है। थ्री भाई 2000 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, 4.5 स्टार मिनिमम होगा मूवी का, और मूवी 50 करोड़ से कम का बिजनेस तो नहीं करनी चाहिए, और सुल्तान को जो ब्रेक ये मूवी ज़रूर लगाएगी हल्का बहुत। देखो सबसे बड़ी बात होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से इरफान हमेशा अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसमें उन्होंने कमाल का काम किया, मगर मैं थैंक्स टू निशिकांत कामत बोलूँगा क्योंकि जो क्लाइमेक्स उन्होंने दिया है आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बेहतरीन क्लाइमेक्स है, मज़ा आ जाती है। एंड सॉन्ग्स के बारे में बात करें तो कैसे लगे? ज़रूरत ही नहीं थी फिल्म में सॉन्ग्स की, ज़रूरत नहीं है फिल्म में सॉन्ग्स की, दो गाने ठीक है।